अस्सलाम वालेकुम, ऑनलाइन मिस्त्री में खुश आमदीद। मैं हूँ यासर अरफात। आज का हमारा मौजू है जी फिलिंग, टाइल की फिलिंग या मार्बल की फिलिंग। हम फिलिंग करते क्यों हैं? फिलिंग का मकसद होता है जी, हम जब मिसाल के तौर पे हमने मार्बल लगाया तो फिलिंग का मकसद है कि हम इसके ऐब छुपा देंगे। फिलिंग हम करते हैं तो कहीं पर ये दरज मोटी आती है, कहीं पतली आती है। फिलिंग का मकसद होता है कि आप मार्बल के ऐब छुपा रहे हैं। फीलिंग का मतलब होता है फीलिंग। आप गलत फीलिंग करेंगे तो आपको फील अच्छा नहीं होगा, अगर सही फीलिंग करेंगे तो आपको फील सही होगा। तो आज मैं बताने लगा हूँ कि फीलिंग आपने कैसे करनी है। जब भी फीलिंग करें तो मैचिंग फीलिंग करें। उसकी वजह क्या है? ख़ासकर हमारे यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर कभी भी, कम अज़ कम मेरे तजर्बे में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्बल एक साइज़ में मिले। अगर आप फिलिंग मैचिंग करेंगे ना तो आपकी बहुत सी खामियां छुप जाएंगी। अगर आप फिलिंग मैचिंग नहीं करेंगे ना तो जो आप ऐप छुपाना चाह रहे हैं ना फिलिंग करके, वो सामने आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फोकस करें, थोड़ा आगे ले आएंगे, जूम करें। अब मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये यहाँ पर आप इस लाइन को देखते जाएँ ना तो यहाँ से मोटी हो जाती है, यहाँ से बारीक है। उधर देखें, इस लाइन को आप देखें तो यहाँ से बारीक है, वहाँ से मोटी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने हमारे ऐप सामने कर दिए। अगर ये फीलिंग मैचिंग हुई भी होती ना, आप इसे देख लें, यहाँ पे ये फीलिंग हुई ही नहीं है ना, उनकी उन्होंने ब्लैक ही है। लेकिन ये देखें आप, ये जो है ना आपका पत्थर नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखें, ये पत्थर एक ही नज़र आ रहा है, फीलिंग मैचिंग है। अगर यहाँ पर हम मैचिंग फीलिंग करेंगे तो हमारे ऐप छुप जाएंगे, क्योंकि जो इम्पैक्ट होता है ना, आपका जो इम्प्रेशन है, अब जो आने वाला है वो यहाँ से सीधा आएगा ना तो मार्बल को देखेगा, ठीक है। लेकिन अगर फीलिंग मैचिंग होगी तो उससे ये ऐप छोटी मोटी दरज नज़र नहीं आएगी, सही है। लेकिन अब यहाँ पे इधर लाइन कैमरा यहाँ से दिखाएं, यहाँ से ये देखें, अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ से पतली है, वहाँ से मोटी है। जो भी आएगा वो सबसे पहले आपसे कहेगा, ओ यार है की तई एथों वेख उतों वेख के जा कारीगर बुलाया। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब ये मिस्त्री हजरात के लिए ख़ास तौर पर कह रहा हूँ और जो ओनर हजरात हैं उनके लिए भी है, ये मेरा पैगाम है कि जब भी फिलिंग करवाएं, मैचिंग फिलिंग करवाएं। फिलिंग आपके जो ऐब है वो छुपाती है। जब आप मैचिंग फिलिंग नहीं करेंगे या मैचिंग से थोड़ी डार्क फिलिंग कर देंगे तो आपका क्या होगा, आपके ऐब सारे सामने आ। चलें अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू देता हूँ जहाँ पे मैचिंग फिलिंग हुई है, तो आप मेरी बात के साथ मुतफिक होंगे कि मैचिंग फिलिंग करनी चाहिए। चलें अब ये आ जाएं, इस तरफ से हैं, इस तरफ से हैं आप, बस यहाँ पे आए आप। ये देखें, ये हमारा पर्लिनो क्रिस्टल लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ पे आप देखें और मुझे बताएं कि कहाँ से फिलिंग मोटी है। इसमें भी उसी तरह, उस मार्बल की तरह ना जो उधर लगा हुआ है, उसकी तरह बेशुमार इसमें खामियां हैं। खामियां से मुराद यह है, कहीं से फिल मोटी दर्ज है, कहीं पतली दर्ज है, कहीं पे मार्बल छोटा है बड़ा है, सूत्र सूत्र का फ़र्क है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, आपको कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, देख लें। अब अगर मैं आपको करीब लाऊँ तो आप करीब आएँ जी, वहाँ से आपको कुछ नज़र नहीं आया। अब मैं आपको करीब लाऊँ तो ये देखें, ये बिल्कुल बारीक जुड़ी हुई दर्ज है, ये थोड़ी मोटी दर्ज है। और मैं आपको बताऊं कि इससे ये देखें, यहाँ पे आए आप, ये पूरे एक सूत्र की दर्ज है। लेकिन मैचिंग में ये आपकी जो खामी है ये क्लियर हो गई है। तो आपने जब भी फिलिंग करनी है मैचिंग फिलिंग करनी है। और मिस्त्री हजरात से गुजारिश है, सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं फिलिंग बनाने में, मैचिंग करने में। थोड़ा सा टाइम दे दें, और इतने जो हमारे ओनर हजरात हैं इतना ख़र्चा करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी सहूलत आप पैदा कर दें, आप उन्हें मैचिंग की फीलिंग बना लें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक और मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक दीजिए मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।